रेल के माध्यम से गोवा से हिमाचल लाए गए लोग आखिरकार बिलासपुर में अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। पूरे स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने के बाद इन लोगों को संबंधित जिला के लिए रवाना किया गया था, जिसमें जिला बिलासपुर के लगभग 23 लोग यहां पहुंचे हैं, जिनको एचआरटीसी के बस के माध्यम से बिलासपुर लाया गया। ये लोग नर्सिंग संस्थान क्वारंटाइन सेंटर चांदपुर में रखे गए हैं, जिनमें 2 लोग शादीशुदा हैं, 1 बच्चा और 20 लोग मौजूद हैं। करीब 2 बजे एचआरटीसी की बस के माध्यम से शुक्रवार को ये बिलासपुर पहुंचे, जिनको चांदपुर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। यहां पर इनके रहने व खाने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां पे सब ठीक है, खाना वगैरह सब सही मिल रहा है और अभी हमारे रूम जो है वो भी अच्छे हैं, सब सही चल रहा है। और रास्ते में कोई दिक्कत हो, परेशानी हुई हो? नहीं, कुछ नहीं आई। खाने वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम थी, एक दिन तो मिला जिस दिन हम बैठे थे, नेक्स्ट डे थोड़ा ब्रेड एंड समथिंग ही मिला और कुछ नहीं मिला। रात को भी डिनर में कुछ था नहीं। आज आप अपने घर पहुंचे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम जयराम ठाकुर जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जो हमारे वहाँ गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी हेल्प की हमें यहाँ पहुँचाने के लिए। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इन लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी, साथ ही संदिग्ध लोगों को प्राथमिकता के आधार पर जांच किया जाएगा। हालांकि अधिकारियों का ये भी कहना है कि सभी लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही भारी ना पड़ जाए। यहाँ पे जो गोवा से ट्रेन आई थी उन बच्चों को, उन जेंट्स लेडीज को लेके बस जो है तकरीबन 2 बजे के आसपास यहाँ पहुँची, उसमें एक कुल मिला के 23 वयस्क लोग हैं, 1 बच्चा है। 23 वयस्क में 21 जेंट्स हैं और 2 लेडीज़ हैं और 2 कपल हैं। 2 कपल्स को हमने अलग अलग रूम में ठहरा दिया है और 20 जेंट्स को हमने एक जगह पे लोकेशन पे ठहरा दिया है। और इनको जैसे ही ये यहाँ आए इनको खाना पीना पानी सब उपलब्ध प्रशासन की तरफ से करवा दिया गया है।